नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा ऑपरेशन किडनैपर। 5 साल के मासूम का अपहरण और वो 72 घंटे। ऑपरेशन तस्कर भी आपको आज हम दिखाएंगे। आखिर कहां से आया 5 करोड़ का सोना, 15 करोड़ की हेरोइन का राज भी आज खुलेगा। ऑपरेशन हैवान भी होगा। छेड़छाड़ का विरोध करने पर कहां मिली मौत की सजा और होगा ऑपरेशन जालसाज। प्रॉपर्टी हथियाने का हथकंडा भी आज हम आपको दिखाएंगे और जब आप देखेंगे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसके मोबाइल में प्रेमिका के पर्सनल फोटोज थे, जिसे बार बार कहा गया फोटो डिलीट करो, लेकिन लड़के ने फोटो डिलीट नहीं किए। इसके बाद वो लड़का गायब हो जाता है और उसकी लाश मिली। आखिर किसने बनाया था पार्टी में लड़के के मर्डर का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। फोटोज वगैरह रखे थे अपने पास, जिससे कि परिवारजनों को और प्रेमिका को आपत्ति थी। मैं फोटो वायरल कर दूंगा। पर्सनल फोटो पर ऐतराज। फोटो डिलीट करो वरना। पार्टी में मर्डर का प्लान। पत्थर से वार, प्रेमिका कत्ल। जीजा साले की खौफनाक साजिश। 8 जनवरी, इलाका सुडौर पन्ना। इस तारीख को उमेहा नाला स्टॉप डैम के नीचे एक लाश मिली। लाश की खबर पुलिस वालों को मिली। पुलिस की टीम जब मौके वारदात पर पहुंची तो लाश की पहचान करना मुश्किल था। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई थी। सोशल मीडिया पर लाश के फोटो अपलोड किए गए, थानों में भी लाश के फोटो भेजे गए। कहीं किसी गुमशुदगी से इस लाश का कनेक्शन तो नहीं। इधर लाश की पहचान हुई, ये लाश थी 20 साल के हर्षित की। इस मर्डर में एक लव स्टोरी का खुलासा हुआ। शाहनगर थाने संबंधित है, जिसमें 8 तारीख 8 जनवरी को एक मृतक की लाश मिली थी, जिसमें पता किया गया। तो पता पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो मृतक है उसका नाम हर्षित सिंह राजपूत पता चला, और ये पता चला कि उसका जो है किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिस गांव में लाश मिली थी उस गांव का भी मर्डर से कनेक्शन था। मृतक हर्षित की हत्या में उसकी प्रेमिका के नाबालिग भाई और जीजा का हाथ था। प्रेमिका का जीजा उसी गांव का रहने वाला था जिस गांव में हर्षित की लाश मिली। शराब पीने के बहाने हर्षित को बुलाया गया था, जहां बार बार यही कहा गया मोबाइल से फोटो डिलीट करो। उसने कुछ फोटोज वगैरह रखे थे अपने पास, जिससे कि परिवारजनों को और प्रेमिका को आपत्ति थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हर्षित ने फोटो डिलीट करने से इनकार कर दिया। हर्षित के पास उसकी प्रेमिका के पर्सनल फोटो थे। सूत्रों की माने तो इस प्रेम संबंध पर लड़की के घर वालों को एतराज था। वो लड़की की कहीं और शादी करना चाहते थे। इस पर्सनल फोटो पर भी घर वालों और प्रेमिका को एतराज था। आरोप है कि प्रेमी हर्षित इन पर्सनल फोटोज को वायरल करने की धमकी दे रहा था। जो प्रेमिका है उसके उसके जीजा ने और उसके भाई ने जो मृतक है उसको एक दिन रात में बुलाया दारू पीने के बहाने, और उसके बाद पत्थर से जो है उसके सर पे आघात करके रात में उसकी हत्या की गई। इस धमकी पर हत्या का ये खौफनाक प्लान बना। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किडनैपिंग की अजीबोगरीब वारदात है ये। 5 साल के बच्चे का किडनैप हुआ, लेकिन ना तो फिरौती के लिए कोई कॉल आया ना ही कोई धमकी। किडनैपिंग करने वाले पति पत्नी ही थे। आखिर कौन है अंकल आंटी
ऑपरेशन किडनैपर के ये 72 घंटे आपके होश उड़ा देंगे। देखिए, साल के मासूम बच्ची का अपहरण, कपड़े दिलाने के बहाने किडनैप, वो अंकल आंटी कौन थे? माँ करे फरियाद, मेरा बेटा लौटा दो। पुलिस की 10 टीम मासूम की तलाश। वो 72 घंटे ऑपरेशन किडनैपर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसकी तलाश जारी थी। पुलिस की टीम आने जाने वाले लोगों को मोबाइल में उस बच्चे की तस्वीर दिखाकर पूछ रही थी, क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? पुलिस की 10 टीम ऑपरेशन किडनैपर में लगी हुई थी। ये वो 72 घंटे थे जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया। देवास की औद्योगिक थाना इलाके में रहने वाला 5 साल का मासूम अरशान खेलते हुए गायब हो गया था। उस वक्त बच्चे की मां काम पर गई थी। मासूम बच्चा अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था, तब एक अंकल आंटी स्कूटी पर आए और अपने साथ मासूम बच्चे को किडनैप करके ले गए। कल से हम ड्यूटी गए थे, हाँ? तो हमारे लड़का, हम ड्यूटी से आए, हमें बच्चा नहीं मिला, तो हम घर पे लेट गए जब से पुलिस लगी। कितने साल का बेटा आपका? 5 साल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चा उस किडनैपर अंकल आंटी के साथ चला गया? तो चश्मदीद बड़े भाई के मुताबिक उन अंकल आंटी ने पहले ये कहा, तुम उनके बच्चे हो, और फिर ये कि हम आपकी अम्मी को जानते हैं, छोटे भाई को कपड़े दिलाकर घर छोड़ देंगे। 3 दिन पहले एक महिला द्वारा आकर रिपोर्ट किया गया कि वो अपने काम पे जाती हैं और घर पे उनके 2 बच्चे, 1 8 वर्ष का, 1 5 वर्ष का रहते हैं। घर पे कोई बच्चों की देखभाल के लिए नहीं है, तो सामान्यतः बच्चे बाहर भीतर घर के आसपास घूमते भी रहते हैं। जब वो काम से लौटी तो उनके बड़े बच्चे ने बताया कि छोटा भाई मिसिंग है, और जब बातचीत हुई तो उसमें पता चला कि कोई व्यक्ति आए थे जो अपने साथ कपड़ा दिलाने की बात कह के ले गए। इसके बाद मासूम अरशान का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि बच्चे की उम्र मात्र 5 साल थी। अत्यंत ही संवेदनशील केस था। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र थाने पे तुरंत FIR दर्ज की गई। औद्योगिक क्षेत्र थाने के साथ साथ देवास शहर के अन्य थानों की भी टीमें इसमें सक्रिय की गई। टीमों ने लगातार इसमें CCTV फुटेज खंगाले, अन्य जहाँ से सूचनाएं मिल सकती हैं उन सभी स्रोतों को इसमें खंगाला। अपने आप में किडनैपिंग की ये अजीबोगरीब वारदात है। ना तो फिरौती के लिए किडनैपर का कोई कॉल आया, क्या किसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया था? CCTV फुटेज खंगाले गए और फिर पुलिस के हत्थे चढ़े ये पति पत्नी जो देवास के सिविल लाइन थाना इलाके के रहने वाले हैं। 3 दिन के लगभग मेहनत के बाद टीम को सफलता मिली और इसमें बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, और जो आरोपी जिन्होंने बच्चे को ले गए थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस टीम के अच्छे काम के लिए सभी को आज सम्मानित भी किया गया है, और पुलिस टीम को नगद इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। अब तक किडनैपिंग के पीछे की वजह इन दोनों ने नहीं बताई है। आरोपी हैं वो एक अधेड़ उम्र के दंपत्ति हैं, 55 साल और 50 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। और ये भी बात अभी आई है प्राथमिक पूछताछ में कि घर में, परिवार में उनके कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहता। उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, चीज़ें स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अभी देखने में आ रहा है कि बच्चे को वो पकड़ के ले गए हैं, जबरदस्ती ले गए हैं, और उन्होंने उनको कस्टडी में अपने रखा है, तो पूरा आपराधिक कृत्य इन्होंने किया है। इसके पर्याप्त सबूत भी हैं पुलिस के पास, और इसमें आगे न्यायालय में भी जल्दी चलान करके इसमें अच्छी सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। क्या मानव तस्करी का ये खेल है, या फिर इस दंपत्ति का कनेक्शन बच्चा चोर गैंग से है? ऐसे कई सवाल है जिस पर तफ्तीश जारी है। देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपके सामने होगा करीब 5 करोड़ का सोना।
और करीब 15 करोड़ की हेरोइन। कार में कैसे इन तस्करों ने बनाया था एक चैम्बर। इन गुप्त ठिकानों की पड़ताल करती है रिपोर्ट। देखिए दो शहर ऑपरेशन तस्कर। ये दो शहर तस्करों के गुनाह की गवाही दे रहे हैं। ऐसे ऐसे चैम्बर जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। सबसे पहली तस्वीर महासमुंद के सिंघोड़ा थाना इलाके की। यहां हो रही थी गोल्ड की तस्करी। कैसे ये सुनिए, देखिए तस्करों के शातिर दिमाग। उस I-10 के जो भी चालक से उनसे हम लोगों ने थॉरली पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पहले वो नान उपयोग कर रहा था, फिर जब गाड़ी की हमने अच्छे से चेकिंग की तो ड्राइवर सीट के नीचे उसने एक पेटी टाइप का बना के रखा था। सोने की तस्करी गोल्ड बिस्किट और पत्ती के शक्ल में की गई। कार की ड्राइवर सीट पर नीचे केविन बनाया गया था। ओडिशा छत्तीसगढ़ के रास्ते पुणे महाराष्ट्र इस कंसाइनमेंट की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन महासमुंद की सिंघोड़ा पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करी का ये राज फाश कर दिया। कैबिनेट बना के रखा था, उसको जब खोला गया तो उसमें से 4 पैकेट निकले थे जो सील बंद थे। उन 4 पैकेट की हमने वीडियोग्राफी कराई और गवाहों के समक्ष जब उसको खोला तो उसमें से 39 सोने के बिस्किट निकले और 22 सोने की पट्टियां निकली। लगभग 7.5 किलो का ये उनका सोने का ये जो निकला था, धातु का एक ये निकला, जिसकी बाजार कीमत लगभग 4.94 करोड़ है। अब दूसरी तस्वीर मंदसौर की। नशे के सौदागर पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए ऐसे रास्ते अख्तियार कर रहे थे। क्या कोई सोच सकता है कार में ऐसे अड्डे हो सकते हैं इन सौदागरों के। कभी कार के दरवाजे तो कभी टायर में छुपाकर हेरोइन ले जाई जा रही थी, जिसका रूट था असम टू MP। असम से लाई जा रही थी हेरोइन, MP के शिवपुरी में डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये राज खुल गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की बड़ी कार्रवाई है ये। इंटरनेशनल मार्केट में इस हेरोइन की कीमत करीब 15 करोड़ है। दोनों शहर में ऑपरेशन तस्कर में तहकीकात भी हो रही है कि आखिर तस्कर के और कितने राजदार। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया और महासमुंद से सोमनाथ टोंडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शख्स जिसे छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया, जिसने उन आरोपियों को रोका टोका था। आरोपी के पास हथियार भी था, पीठ पर गोली मारी और वो शख्स खामोश हो गया। आखिर कहां खेला गया ये खूनी खेल, आप भी देखिए भाभी के सामने देवा का मर्डर। दो राज्य की बॉर्डर, किसने खेला खूनी खेल। भाभी के सामने देवर का मर्डर, छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा। हमलावर ने पीठ पर मारी गोली। ये लाश कई सवाल खड़े कर रही है। वाकई ये लाश कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इस कत्ल के पीछे जो कहानी सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देती है। UP-MP की बॉर्डर से लगे टीकमगढ़ का नेगवा गांव, जहां शख्स को पीठ पर गोली मारी गई और इस पर गोली चलाने वाले आरोपी फरार हो गए। आखिर वो हमलावर कौन थे, कत्ल क्यों हुआ? फरियादी परिवार ने जो संगीन इल्जाम लगाए हैं वो होश उड़ाकर रख देता है। घटनाएं शिवली साहब के खेत पे गए थे अस्पताल और उनकी भाभी यहाँ पानी पटाने के लिए, तो वहाँ पे दोनों भाई आए दारू पीने के, तो उनकी भाभी के साथ छेड़छाड़ की। दरअसल छतपाल अपनी भाभी के साथ खेत पर काम कर रहा था, तभी दोनों आरोपी आए। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में थे। अब कत्ल क्यों हुआ ये सुनिए। आरोपी ऋषि साहू और राजेश साहू पर संगीन इल्जाम लगे हैं। इल्जाम
छेड़छाड़ करने का। मृतक छतपाल की भाभी के साथ आरोप है कि ये आरोपी छेड़छाड़ कर रहे थे। जब इन्हें छतपाल ने रोका तो आरोपी तैश में आ गए। छतपाल को ये नहीं पता था आरोपियों के पास हथियार है। हथियार देखकर छतपाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन हैवानों के बंदूक के ट्रिगर पर छतपाल की मौत लिख चुकी थी। भागते हुए छतपाल पर पीछे से पीठ पर गोली मारी गई। इसमें छतपाल ने उन्हें रुकने की कोशिश की, उनके पास हथियार था दोनों भाइयों के पास। तो जब छतपाल ने देखा कि हथियार लिए तो छतपाल पीछे होकर भागा, तो पीठ पर गोली चला। ये मानने वाले हैं महौनी निवासी ऋषि साहू, राजेश साहू। ये कहाँ से आ रहे हैं? उनका खेत है सर, उनका एक बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर उस पास उनका खेत है 5 एकड़ का। हम लोग छेड़छाड़ की विरोध करने की कीमत छतपाल को जान देकर चुकानी पड़ी। ये हैवानियत सवाल कर रही है, आखिर छतपाल का कसूर क्या था? टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।